सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि रेलवे की नौकरी की प्रक्रिया के समय सावधान रहें, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। इस तस्वीर में आरपीएफ की टीम की गिरफ्त में नजर आ रहे ये लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को अपना शिकार बना रहे थे। ये गिरोह साल 2019 से ही भोले भाले ग्रामीण बेरोजगार युवकों से भारी रकम लेकर फर्जी ज्वाइनिंग पत्र देकर बेवकूफ बनाने का काम कर रहा था। ज्वाइनिंग के बाद बिल्कुल बिल्कुल पहले शिकार बनाते थे, उनसे 5 लाख रुपया लेते थे। 5 लाख रुपया लेके उनको विश्वास दिलाने के लिए हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 20,000, 25,000, 30,000 रुपया डालते रहते थे। 4 महीने तक उनको पैसे का भुगतान होता था, जिससे वो आदमी विश्वास में आ जाता था कि हमको तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई। इस बात को वो अपने अन्य ग्रामीणों को शेयर करता था कि हमको नौकरी मिल गई, हमारे तनख्वाह हमारे खाते में आ रही है। इसके झांसे में आके और लड़के जो है सो फंस जाते थे इनके फिर। जब नौकरी देने की बात होती थी तो ये लोग कहीं काम भी करते थे क्या ये लोग? नहीं नहीं, ये लोग कोई काम धाम नहीं करते थे। पैसा मिल रहा था बिना घर बैठे इन लोगों को पैसा मिल रहा था क्या? जो गिरोह का संचालक जो है सरगना, जिसने 5 लाख रुपए इनसे प्राप्त किए, आधा पैसा किस्तों में इन्हीं को वापस लौटा रहा। तो जो ले रहा था पैसा बिना काम किए, उसको नहीं एहसास हो रहा था कि मुझे? अब भोले भाले है, इनको उतनी चीज की जानकारी नहीं थी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया अभी तक इनके द्वारा? कितने लोगों को शिकार बनाया गया? ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आए थे एक व्यक्ति, उसको गिरफ्तार किया गया है, और उसके साथ जो 3 लड़के जो इसके जाल में फंसे उनको भी पूछताछ के लिए और हम लोग रखे हैं, और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। 2019 इन्होंने कितने लोगों को इस तरह का झांसा देकर? ये अनुसंधान का विषय है, आगे बहुत सारी कड़ियाँ खुलेंगी तब आपको जानकारी मिलेगी। अभी तो इसका एक कड़ी हम लोग पकड़े हैं, आगे देखिए क्या होता है। धन्यवाद। इस गिरोह के सदस्य नौकरी देने के नाम पर 5 लाख रुपए लेते थे और इसी रुपए से इन लोगों के बैंक खाते में 25 से 30 हजार 3-4 महीने जमा भी कर देते थे, जिससे इनको यकीन हो जाए कि इनको नौकरी लग गई है। आरपीएफ ने इस गिरोह की एक सदस्य और नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर लेने आए 3 युवकों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस गिरोह के लोग सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करते थे, व्हाट्सएप पर ही नौकरी का लेटर भेजते थे। साथ ही सहायक आयुक्त ने युवाओं को ऐसे ठगों से बचने के लिए सचेत भी किया है। जिले हैं उनके जनता को अपील करना चाहूँगा, नए लड़कों को खास करके अपील करना चाहूँगा कि भारत सरकार ने रेल मंत्रालय में कभी भी इस प्रकार की नौकरी वगैरह देने का कोई प्रावधान नहीं है। लोगों को बहला फुसला करके विश्वास में लेकर के जो निरीह बेरोजगार लड़के हैं उनको ठगा जा रहा है, वो लोग सचेत हो जाएं, और अगर इस तरह का कोई भी उनको सूचना मिलती है उनको, या कोई इस तरह का गिरोह उनके संज्ञान में अगर आता है तो अविलंब हम लोग को सूचित करें, हम लोग इनको पकड़ेंगे, इनको जेल भिजवाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गिरोह के बारे में छपरा आरपीएफ को जानकारी होने पर महीनों से इसकी रेकी कर आज छपरा जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में सिविल ड्रेस में आरपीएफ के जवानों ने घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।